हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं एसकेएल प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप इंडियन फिल्म्स जिन्होंने फास्टेस्ट 800 करोड़ की कलेक्शन करी है। तो दोस्तों, जानिए कौन कौन सी मूवी है इस लिस्ट में। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे है दोस्तों सीक्रेट सुपरस्टार। ये आमिर खान की मूवी थी और इस मूवी ने 15 हफ्ते लगा दिए थे 800 करोड़ की कलेक्शन करने में। दोस्तों, बात करें नंबर 7 पे, तो नंबर 7 पे फिर से आमिर खान है। दोस्तों, आमिर खान की दंगल मूवी ने 80 दिन लगा दिए थे 800 करोड़ की कलेक्शन करने में। दोस्तों, बात करें नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे है बजरंगी भाईजान। दोस्तों, बजरंगी भाईजान ने 60 दिन लगा दिए थे 800 करोड़ की कलेक्शन करने में। बात करें नंबर 5 पे, तो दोस्तों नंबर 5 पे है पठान। पठान मूवी ने केवल 12 दिनों में ही 800 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी। और दोस्तों, बात करें नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे है KGF चैप्टर 2। दोस्तों, इस मूवी ने 11 दिनों में ही 800 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी। दोस्तों, बात करें नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे दोस्तों फिर से शाहरुख खान की जवान मूवी ने दोस्तों केवल 11 दिनों में ही 800 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन कर ली है। सो बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे है RRR। दोस्तों, इस मूवी ने केवल 9 दिनों में ही 800 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन कर ली थी। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है बाहुबली 2। बाहुबली 2 ने केवल 7 दिनों में ही 800 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। तो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।